हम बैक वीडियो भाई, जैसे कि आप ना कमेंट में पूछते रहते हो कि मैं स्टार्टिंग की लाइन क्या बोलता हूँ, तो अभी जब मैंने बोली होगी तो नीचे साथ में लिखी हुई आई होगी। वैसे मुझे भी समझ नहीं आती यार क्या बोलता है यार, एक बार बताइए फिर से धीरे धीरे स्लो मोशन में। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, योर फ्रेंड मिस्ट्री इज हियर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ओके, आज समझ आया मुझे भी यार। इसके बहुत ज्यादा कमेंट थे कि भाई तू स्टार्टिंग में क्या लाइन बोलता है, तो नीचे आई होगी पढ़ लेना। मैं भी सोचता हूँ वैसे हर बारी, चलो इसी बहाने आज पूछ लिया। मैंने क्लियर कर दी बात, देख रहे हो ना पीछे बाहर निकली हुई है, जल्दी वीडियो लेंगे इस पे। oh, yes. बट आज की वीडियो इस पे नहीं है, आज की वीडियो किस पे भैया? आज की वीडियो अगेन एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल बाइक कह सकते हो इसको, जो आप रोज चला सकते हो, पहाड़ों पर ले जा सकते हो, लॉन्ग राइड पर जा सकते हो, ट्रैक पर भी ले जा सकते हो। मज़ेदार बाइक है, ऑलराउंडर कह सकते हो, एवरेज भी देती है अच्छी और पावरफुल भी है, एंड मोर ओवर दिखने में भी दिस बाइक इज़ अ वेरी गॉर्जियस लुकिंग बाइक। और गाइस आवाज़ तो इसकी बहुत ही अच्छी है, आवाज़ भी अच्छी है, इनलाइन फोर लवर्स जो हैं उनके लिए तो आवाज़ अच्छी नहीं होगी, बट स्टिल इट्स अ वेरी नाइस बाइक। एंड खुलासा तो मैंने कर ही दिया आप लोगों की, बाइक कौन सी है गाइस? द बाइक इज एग्जैक्टली द बाइक इज कावासाकी निंजा 650 ABS। सो अब सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, उसके बाद मैं आपको बाइक की साइड डिटेल्स बताता हूँ। इससे पहले की जो आपने स्टार्टिंग देखी उसके अंदर हम कुछ और थे, और हम जो आ रहे हैं कुछ और है, क्योंकि यार उस दिन ना बारिश आ गई थी और बारिश में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। बारिश आज भी आ रही थी थोड़ी सी, अब इंद्र देवता मेहरबान हुए हैं, थोड़ी सी बारिश कम हुई है, लेकिन वीडियो बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। सो ओनली फॉर यू दिखाने जा, वीडियो अब फिर से कंटिन्यू हो रही है, लेट्स स्टार्ट इट देन। सो गाइस द बाइक जिसके बारे में बात कर रहे थे वो है कावासाकी की निंजा 650 ABS। दिस इज द ब्यूटी स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी। पहले तो ये बाइक कैसी लगती है, जो नया डिज़ाइन कावासाकी ने 2017 में निकाला था वो आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड रही बात इस बाइक की, दिस थिंग इज़ लोडेड विद एक्सेसरीज। आगे से अगर शुरुआत करें तो इसके अंदर पहले फोक प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, नीचे अगर झांक के देखोगे तो रेडिएटर ग्रिल्स भी लगी हुई हैं इसके अंदर। उसके साथ आपको क्रैश गार्ड्स मिलते हैं जस्ट इन केस ऑफ फॉल, आपकी बाइक की फेयरिंग को नुकसान ना हो। साथ में ये जो नट्स लगे हुए हैं चेसिस के, ये भी चेंज हुए हुए हैं। एक्सल का X55 ओरिजिनल ऑथेंटिक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है इस बाइक के अंदर, जिसकी आवाज़ अभी आपको मैं एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर सुनाऊंगा। हेडफोन्स पहन लेना, इसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी आवाज़ है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साउंडिंग मशीन। मोर ओवर बाइक के अंदर और आगे चलते हैं तो आपको पीछे स्पूल्स मिलते हैं फॉर योर पैडॉक स्टैंड, और ये स्विंग आर्म कवर्स भी लगे हुए, स्विंग आर्म प्रोटेक्टर्स भी लगे हुए हैं जस्ट इन केस ऑफ फॉल। आपकी बाइक हमेशा किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर आप आ जाओ, भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए, तो योर बाइक शुड बी रेडी एंड एज वेल एज यू शुड बी रेडी। तो बाइक के अंदर ये चीज़ें ज़रूरी हैं, एंड आप भी अगर बाइक चलाते हो तो राइडिंग गेयर्स पहन के चलाओ, हेलमेट इज़ अ मस्ट, राइडिंग जैकेट पहनो, ग्लव्स पहन के चलाओ, दीज थिंग्स आर मैंडेटरी बिफोर राइडिंग। तो इसके अलावा जो बाइक के अंदर आपको मिलता है सेफ्टी के अंदर, वो आपको मिलते हैं टैंक ग्रिप्स एंड योर टैंक पैड। सो ये जो बाइक है दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी सामान लगा हुआ है, सारा ऑथेंटिक सामान है, कुछ भी आफ्टर मार्केट या नकली चीज़ें नहीं है। दिस इज़ अ वेरी नाइसली डन बाइक। छोटी मोटी एक्सेसरीज और हैं जो मैं आपको बताना नहीं बता पाया, छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं। मोर ओवर दिस इज़ 2017 मॉडल, 2017 की ये निंजा 650 ABS है। बाइक चली है कुल 10,000 किलोमीटर, ओनली 10,000 किलोमीटर्स ड्रिवन, डेली रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर बाइक है। आपने बाइक के सारे वॉक थ्रू में आपने देखा होगा सिनेमैटिक शॉट्स के अंदर, पूरी बाइक आपको अर्जुन ने दिखाई होगी। कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड आपको मिलेगा इस बाइक के साथ,
तो प्राइस बताने से पहले आइए इसका डैश दिखाता हूँ मैं आपको, इसका डैश कब लिखते हैं। ये इसकी इग्निशन सीक्वेंस है फ्रॉम अ रेगुलर निंजा 650। इसकी इग्निशन सीक्वेंस और इसका स्पीडोमीटर काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। बाइक चली है 10,509 किलोमीटर कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड के साथ, सिंगल ओनर बाइक है एंड एक्सेसरीज आपके सामने हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ इज़ द टाइम टू स्टार्ट द बाइक। अब आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, ये थी निंजा 650। आई होप आपको इसका फ्लाई बाय जो भी शिवम ने दिया, हेलमेट पहन के, आप लोग कहते हो तो हेलमेट पहन के, मैंने उसको स्पेसिफिकली बोला है कि थोड़ी सी कंजस्टेड होती है, लेकिन जब फ्लाई बाय या कुछ आपको वीडियो बनाता हूँ तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहता है, आगे भी एक लड़का खड़ा होता है, पीछे भी होता है, सो दैट हम थोड़ी देर के लिए गाड़ियों को सबको पॉज कर दें एंड एक अवेयरनेस जगी रहे कि हाँ अभी एक स्पीडिंग व्हीकल जा रहा है। सो ओनली फॉर अवेयरनेस पर्पस और आपके लिए स्पेसिफिकली कि आपको इसकी आवाज़ सुन सको, पता चल सके कि इसका रिस्पांस कैसा आता है सड़क पर चलते हुए। सो ओनली फॉर यू गाइस वी डू दिस थिंग, डोंट ट्राई दिस एट होम। अगर करते भी हो तो प्लीज़ वेयर योर सेफ्टी गेयर्स बिफोर राइडिंग। सेफ्टी गेयर्स पहनना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही मानसून सीजन है तो बाइक्स स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्वाप्लेटिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर यू वेयर योर सेफ्टी गेयर्स बिफोर राइडिंग। एंड दिस वॉज टुडेज निंजा 650 ABS एडिशन। इसके अंदर ABS भी आता है विच कम्स इन स्टैंडर्ड। सो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस हमने रखा हुआ है दैट इज़ 4,75,000 विच इज़ अगेन नेगोशिएबल। 2017 की बाइक है, सिंगल ओनर है, 10,000 चली हुई है, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का इसमें सामान लगा हुआ है, ऑल ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में नहीं बताया वो भी इसके अंदर हैं। आप आइए बाइक देखिए, 475 इज़ नेगोशिएबल। एंड फेसबुक पेज पे भी हमारी ये डली हुई है, फेसबुक पेज का नाम है सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स। अर्जुन नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, वहाँ पे आप जाके फेसबुक भी देख सकते हो। थैंक यू। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो कावासाकी 650 को लेके। होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो गाइस, दूसरी बाइक कौन सी देखनी है, नेक्स्ट बाइक कौन सी देखनी है, कोई सी भी बाइक देखनी है जरूर बताओ, क्योंकि मैं हर बार आपको पीछे स्टॉक जरूर दिखाता हूँ, कौन सा स्टॉक हम दिखा रहे हैं, पीछे सारी बाइक्स खड़ी हुई है। आप नेक्स्ट बाइक कौन सी देखना चाहते हो, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। आपके लिए अर्जुन और मैं स्पेसिफिकली आपके लिए बाइक लेके आएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ही। एंड आई होप आपको आज की निंजा 650 ABS मॉडल ज़रूर पसंद आया होगा। सो नीचे जाके पहले अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड भाई के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिस्टीबॉय व्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर नियर एंड डियर। साइड हल्की सी झलक दिख रही होगी, वर्सेस खड़ी है फॉर द फर्स्ट टाइम। हां यस, अगर वर्सेस देखना चाहते हो तो डू कमेंट योर कमेंट्स, क्योंकि यार कमेंट्स आप करते ही हो, बट कोई कोई किसी बाइक का करता है, कोई कोई किसी बाइक का करता है, लाने की सारी कोशिश करेंगे। बाइकों के अलावा आप बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, सॉरी टू इंटरप्ट मैं, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, आप इतना सारा प्यार देते हो, इतनी सारी इज्जत मिलती है जब यूट्यूब पे, आई फील वेरी गुड एंड आई एम थैंकफुल, एंड मेरी इज्जत और मेरी मतलब कह सकते हो आई फील वेरी गुड, मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी मेरी इज्जत है आप सबके बीच में और आप लोग भी इज्जत देते हो, इतना प्यार देते हो तो अच्छा लगता है। एंड रही बात इंस्टाग्राम की भी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा पर्सनल अकाउंट है, वहाँ पे मैं सारी बाइक्स की जो जो नई बाइक्स आती रहती है, आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। और गाइस, जैसे कि आपने बोला था ना कि यार मैसेज के रिप्लाई नहीं आते, मैंने भी खुद भैया का इंस्टाग्राम देखा, गाइस अनसेंट में 99+ रिक्वेस्ट पड़ी थी, बहुत सारे DMs आए हुए हैं, सो आई एम वेरी सॉरी, मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, मेरा फेसबुक पेज पे भी 30,000 लाइक होने वाले हैं, वहाँ पे भी मैं हैंडल करता हूँ, यहाँ पे कस्टमर्स को भी हैंडल करता हूँ, आप लोगों के कॉल्स आते हैं उनको भी हैंडल करता हूँ, सो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी कि आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं रिस्पॉन्स करूँगा, धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्स करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, ज़्यादा वीडियो में बातें नहीं करेंगे,
एंड थैंक यू एंड लव यू ऑल. ऐसे ही कमेंट्स करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, और जो आप मांगोगे आपके लिए मैं लेके आऊँगा, आपको बेस्ट प्राइस पे बेस्ट बाइक्स दूंगा, ये मेरा वादा है आपके साथ. बाय, थैंक यू.